स्वागत नहीं करोगे हमारा? कोई बात नहीं भाई, स्वागत करो ना करो, मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो में मैं आपको कमाल की चीजें बताने वाला हूँ एप्पल के ईयरफोन्स के बारे में। मतलब आपने कभी भी आईफोन खरीदा होगा तो आपको ये एप्पल के जो टिपिकल ईयरफोन्स है ये उसको साथ में मिले होंगे। अब काफी लोग इसको यूज करते हैं, काफी लोग इसको सिर्फ कॉल वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर कमाल कमाल के फंक्शन है। क्या आपको सारे फंक्शन पता है या फिर जरा सा भी डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है, देखते रहिए। क्या क्यों कैसे कब? क्या क्यों कैसे कब? क्या क्यों कैसे कब? क्या क्यों कैसे कब? देखो अब तो यहाँ पे हमारे पास पूरा सेटअप है। आईफोन है, उससे कनेक्टेड है मेरे ईयरफोन्स, और ये जो एयरपॉड है ये मैंने शो ऑफ के लिए रखे हैं क्योंकि मेरे पास ये भी है। तो भाई यहाँ पे जितना भी कमाल है, जितना भी जादू वादू है, सब ये राइट वाले ईयरफोन में जो छोटा सा जैक लगा हुआ है, छोटा सा कनेक्टर है यहाँ पे, वहाँ पे ये सारे जादू देखने को मिलेंगे। और वैसे देखने में यहाँ पे सिर्फ तीन बटन ही दिखते हैं आपको, लेकिन ये तीन जो है ये कॉम्बिनेशन में बहुत कमाल कमाल की चीजें करते हैं। तो यहाँ पे मेरे आईफोन पे एक कॉल आ रहा है, कॉल को पिक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली आपके बटन पे जाना है और यहाँ पे इसको दबाना है सेंटर में। ये करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल जो है वो यहाँ पे पिक हो चुकी है। अगर आप किसी कॉल को डिस्कनेक्ट करना चाहते हो तो सेम आपको सेंटर में जाके इसको दो बार क्लिक करना है और ये आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगा। जैसे 1 2 पीछे देखिए, यहाँ पे मेरे आईफोन के अंदर जो कॉल थी वो हो गई है डिस्कनेक्ट। सेंटर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप यहाँ पे सीरी को एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपन म्यूजिक एप्लीकेशन। सो हेयर वी गो, इस बटन से मैंने अपने फोन के म्यूजिक एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पे गाना हम प्ले करते हैं और फिर देखते हैं कि अब इस बटन्स के थ्रू हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज, सेंटर बटन दबाने के बाद यहाँ पे आप गाने को प्ले पॉज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमें गाना स्टार्ट करना है तो हम जाएंगे यहाँ पे और दबाएंगे इस बटन को। भाई यहाँ पे अगर आपको गाने को पॉज करना है तो इसे दोबारा से दबाओ एक बार और ये यहाँ पे गाना हो गया पॉज। तो प्ले पॉज आपको पता लग गया, एक बार दबाने से गाना स्टार्ट हो जाता है, एक बार फिर से दबाने पे गाना यहाँ पे हो जाता है पॉज। अगर आप यहाँ पे अपना गाना चेंज करना चाहते हो, ट्रैक चेंज करना चाहते हो, तो इस सेंटर बटन को दो बार दबाना है, 1 2। तो यहाँ पे देखो आप, इसको दो बार दबा के हमने यहाँ पे गाना चेंज कर लिया। गाना हमने आगे तो कर लिया, लेकिन अगर आपको गाना पीछे करना है, मतलब फ़ोन आपके पॉकेट में है और आप चाहते हो नहीं मुझे पुराना गाना, पिछला वाला गाना फिर से सुनना है, तो फिर क्या करना है वो देखिए, सेंटर बटन को 3 बार दबाना है, 1 2 3। तो इस तरीके से 3 क्लिक करके आप गाने में पीछे जा सकते हो। अगर आप एक गाना सुन रहे हो, आप चाहते हो उस गाने को फास्ट फॉरवर्ड करना, मतलब चेंज ही नहीं करना, फास्ट फॉरवर्ड करना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेंटर बटन को 2 बार दबाना है और दूसरा जो टैप है उसको दबा के रखना है। जैसे हम इसको 2 बार टैप करते हैं और दूसरा टैप दबा के रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे म्यूजिक भाग रहा है आगे। और इस तरीके से हम गाना आगे भगा सकते हैं। अगर आप गाना पीछे की तरफ लेके जाना चाहते हो तो इसको 3 बार टैप करना है और जो तीसरा टैप है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखिए हम यहाँ पे आ रहे हैं पीछे। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल बटन मिल जाते हैं आपको, ऊपर प्लस नीचे माइनस, आवाज कम ज्यादा करने के लिए। बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं, शायद आपके काम आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।